हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है रंजना और मेरे चैनल रंजना कुकिंग होम क्रिएटर पर आपका स्वागत है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही काम आने वाले टिप्स। अगर आपने इन टिप्स को यूज कर लिया तो आपके काम बहुत ईजी हो जाएंगे। ये जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको यूज करने से हमारा घर हमेशा व्यवस्थित तरीके से बना रहता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक गिलास में आधा पानी ले लिया है और ये एक्सपायर ग्रीन टी है। इसको पानी में डिप करेंगे। पानी में इसको डिप करना है और इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। इसको अच्छे से निचोड़ने के बाद में हम अपनी एलईडी या टेलीविजन को इससे साफ करेंगे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से साफ हो रहा है, एकदम से बिल्कुल चमक आ जाएगी। नेक्स्ट टिप्स है हमारी प्रेस। प्रेस तो हम सबके घरों में होती है और हम सब इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो वायर होता है उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं तो वो उसमें टूट जाता है और प्रेस हमारी खराब हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ से वो टूट जाता है और प्रेस में फिर दिक्कत आने लगती है। अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। जैसे आप देख रहे हैं इसी तरीके से फोल्ड करना है, बिल्कुल आसानी से फोल्ड हो जाएगा ये। और इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर करके प्रेस के ऊपर करके इसको, ये मैंने रबड़ ले ली है, ये बालों की रबड़ है, इसको ले लेंगे। और इसको लेने के बाद में ये जो इसका प्लग है, इसको इस रबड़ के अंदर घुसा करके इसके ऊपर लगा देंगे। देखिए हो गया बढ़िया से हमारी प्रेस, अच्छे से एक साथ हो गए हैं, अब ये खराब नहीं होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा शर्ट का। शर्ट हम कई बार बाजार से लेने जाते हैं, उनके जो बटन होते हैं वो बिल्कुल कच्चे धागों से लगे होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं। जो हम शर्ट सिलवाते हैं बल्कि उनके नहीं जल्दी से टूटते बटन, तो इसलिए अब इसके लिए मैं एक नेल पेंट ले लूँगी और नेल पेंट को अच्छे से इसके पीछे लगा देंगे और इसको सूखने देंगे। फिर आप इसके बाद देखना, हमारे बटन कभी भी नहीं टूटेंगे। इस तरह से लगा करके इसको छोड़ देंगे और सूखने देंगे। नेक्स्ट टिप्स है हमारा कोलगेट का। ये मैंने कोलगेट ले लिया है और अब मैं एक बाउल ले लूँगी। बाउल के अंदर हमें थोड़ा सा कोलगेट निकाल लेना है। कोलगेट निकालने के बाद में 2 पिंच हमें वैसलीन लेनी है। ये मैं बिल्कुल जरा सी लूंगी, इसको भी बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके बाद में हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल भी मुझे सिर्फ 2 बूंद के बराबर लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है स्पून से। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको मिक्स करने के बाद में इसको हमें, कई बार हम किचन में काम करते हैं हमारे हाथ फट जाते हैं या फिर रूखे बेजान हो जाते हैं, हम उसमें इसे लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरे पैरों की एड़ी कैसी हो रखी है, तो इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी और इसको अच्छे से रगड़ लेंगे ताकि पैर हमारे अच्छे से स्मूथ हो जाए। आप देख सकते हैं पैर बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, कई बार हमारे पास बेडशीट होती हैं और बेडशीट तो फट जाती हैं और तकिया के कवर हमारे बिल्कुल सेफ रहते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी इस तकिए के कवर का यूज करना। एक हम तकिया का कवर ले लेंगे। देखिए बिल्कुल नया कवर है और इसकी बेडशीट फट गई थी। अब मैंने ये ब्लैंकेट ले लिया है, ये एसी ब्लैंकेट है। इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। इसको अच्छे से फोल्ड करने के बाद में इसमें हम इसको डालेंगे और इसमें डालने के बाद में इसको हम रख देंगे। ये देखने में भी अच्छा लगेगा और तकिया के कवर का भी इस्तेमाल हो जाएगा और हमारा ब्लैंकेट भी अच्छे से, देखिए अच्छे ढंग से रख जाएगा। देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये रख गया है। और ये है पैन का।
कई बार हमारे पास पेन या पेंसिल होते हैं, बच्चों को नहीं मिलते या हमको नहीं मिलते, बच्चे उधर उधर फेंक देते हैं, तो इसको हम आपको अच्छे से इस्तेमाल करना बताऊंगी। ये मैंने एक चूड़ी ले ली है, आप कोई भी चूड़ी ले सकते हैं, और इसमें आप सारे पेन को रख देंगे, सारे पेन इसमें आसानी से आ जाएंगे। कई बार हम किचन में भी पेन ढूंढते हैं, हमें दूध का हिसाब लिखना होता है या फिर किसी चीज़ के लिए हमें पेन किचन में भी चाहिए, तो उसके लिए भी आप इसको इस तरीके से चूड़ी में हैंग कर करके टांग सकते हैं, और ये बिल्कुल सेफ रहेंगे और आपको बिल्कुल आसानी रहेगी इनको यूज़ करने में। नेक्स्ट है हमारा, ये मेरा एक गिफ्ट आया था, इसमें बास्केट थी, इसमें कुछ सामान आया था, तो कई बार हम इनको फेंक देते हैं, तो मैं आपको इसका यूज़ करके बताती हूँ। हमारे पास कई बार पुराने डब्बे होते हैं या छोटी वैसलीन होती है या सिंदूर होता है या फिर छोटे छोटे सामान होते हैं उनको रखने के लिए, आप इसमें रख करके इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखिए ये उधर उधर पड़े थे, उससे अच्छा है इसमें संभाल करके रख दिए हैं। आप चाहे तो इसको बाहर ऐसे ही रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको ड्रॉर के अंदर भी रख सकते हैं, उसमें भी ये सही से रख जाएगा। ये देखिए, अब इसको ड्रॉर में रख के दिखाती हूँ मैं आपको, और ड्रॉर को बंद कर देंगे। देखिए हमारा सामान इधर उधर पड़ा था, बिल्कुल ठीक तरीके से रख गया है। नेक्स्ट है हमारा, कई बार किचन के हमारे टॉवल होते हैं, हम उनको ऐसे ही रख देते हैं और वो बहुत ज़्यादा जगह घेर लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये दिखाती हूँ। हम एक कोना लेंगे, कोना लेने के बाद में इसको अच्छे से हमें तय कर देना है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से करना है, मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ, बताने से अच्छा है कि आप वीडियो को देखिए और समझिए, और फिर हम दूसरा कोना उठा करके उसको भी इस कोने से मिला देंगे और अच्छे से हाथों से इसको सही से ठीक कर लेंगे। अब इसको हम पलट देंगे। देखिए इसको पलटने के बाद में अब इसको मैं नीचे से रोल कर दूंगी, बिल्कुल हल्का हल्का रोल करना है, ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसान है, इसको इस तरीके से रोल कर लेंगे। इसको रोल करने के बाद में ये जो इसका कोना है इसको हम इसके अंदर टक कर देंगे। देखिए इसको इसके अंदर अच्छे से टक कर दिया है, टॉवल हमारे अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। देखिए देखिए है ना बिल्कुल आसान और यूजफुल टिप्स। अब नेक्स्ट हम लेते हैं चार्जर। चार्जर तो हम सबके घरों में होता है और सभी इसको यूज करते हैं, और आप देख सकते हैं इसका वायर कितना गंदा हो चुका है, बिल्कुल काला हो गया है। अब मैं आपको इसको बिल्कुल साफ करके दिखाती हूँ। अब मैं एक बाउल लूँगी और बाउल में कोलगेट लेंगे, कोलगेट डाल लेंगे। कोलगेट डालने के बाद में इस कोलगेट को हमें इस वायर पे लगा लेना है। आप चाहे तो कॉटन की मदद से भी लगा सकते हैं या फिर कोई ख़राब कपड़ा ले सकते हैं, मैं तो हाथों की मदद से ही कर रही हूँ, बिल्कुल आसानी से लग रहा है। कोलगेट को हमें पूरे वायर पे अच्छे से लगा लेना है, आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब मैं कॉटन लूंगी और कॉटन की मदद से इसको साफ करेंगे। देखिए आप साथ के साथ देख सकते हैं वायर हमारा साफ होने लगा है। देखिए कितना कालापन था जो इसमें से निकल रहा है। आप चाहे तो कोई खराब कपड़ा भी ले सकते हैं। वायर हमारा अच्छे से साफ हो गया है। अब मैं आपको इसको भी साफ करके दिखाती हूँ, ये भी कितनी आसानी से हो रहा है। देखिए गंदे चार्जर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, अब ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा और बिल्कुल नया जैसा हो गया है। आप देख सकते हैं कॉटन में कितनी गंदगी निकली है। देखिए हो गया वायर हमारा और चार्जर बिल्कुल नए जैसा। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। हम फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।